हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसके बारे में समझेंगे। किस डिपार्टमेंट के, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है इसको हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, सी आर एस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये जो पद है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे में जितने भी मेजर एक्सीडेंट होते हैं उनकी इंक्वायरी वगैरह के लिए सीआरएस होता है। नए ट्रैक बिछाए जाते हैं, उन ट्रैक का वो सेफ्टी के लिहाज से उपयुक्त है या नहीं है, स्पीड के हिसाब से उपयुक्त है या नहीं है, तो उनका सीआरएस के द्वारा सेफ्टी ऑडिट किया जाता है, सीआरएस के द्वारा उसको चेक किया जाता है। सीआरएस जब अपनी जो एक निर्धारित मापदंड है रेलवे के द्वारा या इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो निर्धारित मापदंड बनाए गए हैं, उन मापदंडों में अगर ट्रैक को सेफ्टी के मामलों में सुइटेबल पाता है तभी उस ट्रैक को उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए फिट देता है। तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एक बहुत मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफ्टी, रेलवे के सेफ्टी से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उन सबको मॉनिटर करता है। तो हम यहाँ पे इसके सबसे पहले बात करते हैं। सीआरएस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन न्यू दिल्ली के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीआरएस जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सीआरएस जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन विभाग मंत्रालय के अधीन होता है। अब सीआरएस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, सबसे पहले इसमें सीसीआरएस होता है, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जिस ये कहाँ कहाँ पर है, लखनऊ में है। सीसीआरएस चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइजर के रूप में वर्क करते हैं। इनके अंतर्गत यानी इनके अंडर में नाइन सीआरएस आते हैं, नौ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आते हैं जो कि नौ सर्कल पर काम करते हैं। यानी पूरे जो भारतीय रेल है उसके जो 16 जोन हैं, कोलकाता मेट्रो को मिला के नौ सर्कल में रेलवे डिपार्टमेंट को, रेलवे जोन को बांटा गया है। तो ये नौ सर्कल कौन है जिसमें नौ सीआरएस होते हैं। तो पहला जो सर्कल है वो हमारा है सेंट्रल, देखिए 20 से स्टार्ट किया, सेंट्रल सर्किल हो गया। इसके बाद दूसरा जो सर्कल है वो हमारा ईस्टर्न, याद भी मैं बता दूंगा किस तरह से करना है, सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न कर लेते हैं इसको। चौथा हमारा वेस्टर्न कर लेते हैं, पांचवा हमारा साउदर्न कर लेते हैं। तो ये पांच तो आपको सिंपल से याद हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से होता है और एक सेंटर हो गया, तो सेंटर से सेंट्रल हो गया, ये पांच सर्किल हमारे हो गए। इनके चार सर्किल और मैं बताऊंगा, पहले इनके हम मुख्यालय समझते हैं। सेंट्रल का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मुंबई में है, इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ईस्टर्न का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है, जिसे हम कलकत्ता कहते हैं। नॉर्दर्न का जो मुख्यालय है वो हमारा न्यू दिल्ली में है।
वेस्टर्न का जो हमारा मुख्यालय है ये भी मुंबई में है, और साउदर्न का जो मुख्यालय है ये बेंगलोर में है। ये इसके मुख्यालय हो गए, हम ये पांचों के मुख्यालय हो गए। सेंट्रल जो सर्किल है ये कौन कौन से जोन को कवर करता है, तो ये सीआर को कवर करता है, सेंट्रल रेलवे को, और डब्ल्यू सीआर को कवर करता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे को। ईस्टर्न सर्किल का जो सीआरएस है ये ईस्टर्न रेलवे को कवर करता है, और ईसीआर को करता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे को कवर करता है। नॉर्दर्न रेलवे का जो मुख्यालय है ये केवल नॉर्दर्न रेलवे को कवर करता है। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है डब्ल्यू आर को कवर करता है, और एन डब्ल्यू आर को कवर करता है। साउदर्न रेलवे का जो सीआरएस है ये साउदर्न रेलवे को कवर करता है, और एस डब्ल्यू आर साउथ वेस्ट रेलवे को कवर करता है। ये पांच मुख्यालय और किन किन जोन को ये कवर करते हैं ये मैंने आपको बताया। अब जो चार इसके और सर्किल हैं वो बताता हूँ। तो छठवां नंबर जो हमारा है वो हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट सर्कल, नॉर्दर्न ईस्टर्न सर्कल। सातवां नंबर हो गया हमारा साउथ ईस्ट सर्कल, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। आठवां हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, और नौवां जो हो गया वो साउथ सेंट्रल। तो ये हमारे नौ सर्किल। अब नॉर्थ ईस्टर्न का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है लखनऊ। ये एन ई आर रेलवे को कवर करता है, और एन सी आर रेलवे को कवर करता है। साउथ ईस्टर्न का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है कोलकाता। ये किसको कवर करता है, साउथ ईस्ट रेलवे को कवर करता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को कवर करता है, और ईस्ट कोस्ट रेलवे को कवर करता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मुख्यालय ये भी कहां पर है, ये भी कोलकाता में है। तो इसका जो सीआरएस है वो किसको कवर करेगा, एनएफआर को कवर करेगा, और जो मेट्रो है कौन सी मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो को भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का सीआरएस चेक करता है। और लास्ट जो हमारा है वो साउथ सेंट्रल है, इसका जो मुख्यालय है वो हमारा सिकंदराबाद। इसको कौन कवर करता है, ये सीआरएस किस रेलवे को जोन को कवर करता है, तो वो है साउथ सेंट्रल रेलवे को कवर करता है। तो आप देखिए नौ मुख्यालय हैं, और जो हमारे 16 जोन हुए या नहीं हुए, सीआर डब्ल्यू सीआर 2, ईआर ईसीआर 4, एनआर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, और कोलकाता मेट्रो मिला के एक ये 17। तो ये 16 जोन प्लस कोलकाता मेट्रो को 9 सीआरएस जो कि 9 अलग अलग सर्किल में है इनको कवर करते हैं। अब अभी देखिए जो मैंने आपको बताया है इसको हम किस तरह से याद करते हैं। तो देखिए ये हम एक मैप जब जानते हैं तो मैप में इस तरह से होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ सेंटर हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो ये पांच तो हमारे ये सर्किल हो गए। उसके बाद छठवां सर्किल हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट सर्किल, इसी तरह से साउथ ईस्ट सर्किल हो गया हमारा सातवां नंबर। आठवां हो गया साउथ सेंट्रल सर्किल, और यहां पर हमारा हो गया नौवां नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर। तो ये नौ सर्किल आप इस तरह से याद कर सकते हैं, पहला सर्किल सेंट्रल सर्किल, दूसरा ईस्टर्न सर्कल, वेस्टर्न सर्कल, नॉर्दर्न सर्कल, साउदर्न सर्किल। तो पांच सर्किल तो इस तरह से हो गए, फिर साउथ ईस्ट सर्कल हो गया, नॉर्थ ईस्ट सर्कल हो गया, एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंट सर्कल हो गया, और साउथ सेंट्रल सर्किल हो गया। तो ये सर्किल हो गए। अब
जो हमने देखा कि जो CCR है, कमिश्नर ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, ये जो लखनऊ में इनका हेडक्वार्टर है, इनके अंदर 9 सर्कल तो होते हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट 5 डिप्टी CRS असिस्ट करते हैं। ये 5 डिप्टी CRS कहाँ पर हैं? इनकी पोस्टिंग भी लखनऊ में होती हैं। तो ये 5 डिप्टी CRS जो हैं वो दो विंग्स में काम करते हैं। टू विंग्स, कौन कौन सी दो विंग्स हैं? तो पहली जो विंग्स है वो है हमारी जनरल विंग्स, सॉरी पहली जो विंग्स है ये दो विंग्स में काम करते हैं। तो पहली जो हमारी विंग्स है वो है रेलवे सेफ्टी विंग्स। इसमें जो हमारा एक CRS, 5 में से 1 डिप्टी CRS है, जो कि जनरल के नाम से होता है, वो रेलवे सेफ्टी विंग्स में काम करता है। और जो दूसरी विंग्स है वो हमारी है टेक्निकल विंग्स। इसमें 4 डिप्टी CRS रहते हैं। ये 4 डिप्टी CRS कौन कौन से होंगे? तो पहला इसमें हो जाएगा SNT का, सिग्नल के लिए, दूसरा हो जाएगा मैकेनिकल के लिए, तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जो चौथा है वो हो जाएगा हमारा अदर जितने भी है। तो ये 4 डिप्टी CRS हैं, वो टेक्निकल विंग्स में काम करते हैं ये चारों। और ये जनरल, ये पांचों की जो पोस्टिंग होती है वो हेडक्वार्टर में होती है, और डायरेक्टली ये चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को असिस्ट करते हैं। अभी जो वर्तमान में जो जो CCRS यानी चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं वो श्री एस के पाठक हैं, जो लखनऊ में बैठते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।